नमस्कार स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आज हम ग्रामीण डाक सेवक से एम टी एस पदोन्नति के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उस एग्ज़ाम के लिए जो मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व करेंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन हाउ मैनी पोस्टल सर्कल्स आर देर इन आर कंट्री हमारे देश में कितने पोस्टल सर्कल्स हैं ऑप्शन ए बीस बी बाईस सी इक्कीस डी तेईस तो इसका सही आंसर है डी तेईस हमारे देश में कुल तेईस यानी कि ट्वेंटी थ्री पोस्टल सर्कल्स हैं चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर टू हाउ मैनी क्लासेस ऑफ पोस्ट ऑफिस आर देयर पोस्ट ऑफिस के कितने क्लासेस हैं ऑप्शन ए एक बी दो सी तीन डी पाँच इसका सही ऑप्शन है सी तीन देर आर थ्री क्लासेस ऑफ पोस्ट ऑफिस चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर स्ट्रीट लेटर पोस्ट बॉक्सेज आर नॉट क्लियर ऑन जो स्ट्रीट लेटर पोस्ट बॉक्स होते हैं उनको कब क्लियर नहीं किया जाता है ऑप्शन ए संडेज़ बी पी ओ हॉलीडेज़ सी बोथ ए एंड बी डी नन तो इसका जो सही आंसर है वो है सी बोथ ए एंड बी संडेज और पी ओ हॉलीडेज़ में स्ट्रीट लेटर पोस्ट बॉक्स को क्लियर नहीं किया जाता है चलिए अब क्वेश्चन नंबर पाँच करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव है डैश डैश आर्टिकल्स आर लाइबल फॉर डिटेंशन फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सिंग एंड पोस्टेज ड्यू ऑन डैम कौन से आर्टिकल्स होते हैं जिन पर जो उत्तरदायी होते हैं निरोध के लिए पर्पज ऑफ जो टैक्सिंग एंड पोस्टेज पर तो इसका ऑप्शन है ए पेड आर्टिकल्स बी अनपेड आर्टिकल्स C partially paid articles, D both B and C, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन D both B and C unpaid articles और partially paid articles चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स stamps other than postage stamps affixed on the postal article जो पोस्टल आर्टिकल के ऊपर में पोस्टेज स्टैम्प से ज़्यादा स्टैंप लगी है तो क्या करते हैं ऑप्शन ए विल बी कैंसल्ड बाई डेट स्टैम्प बी विल बी कैंसल्ड इन रेडिंग सी विल नॉट बी कैंसल्ड डी नन ऑफ दीज तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विल नॉट बी कैंसल्ड ऑप्शन सी विल नॉट बी कैंसल्ड अगर पोस्टेज स्टैंप से ज़्यादा स्टैंप लगी हो किसी भी पोस्टल आर्टिकल में तो उनको कैंसिल नहीं किया जाता है चलिए सातवां क्वेश्चन करते हैं डैश डैश आर्टिकल्स शुड नॉट बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस। कौन से आर्टिकल लेटर बॉक्सेस में पोस्ट नहीं किए जाते हैं ऑप्शन ए पोस्ट कार्ड बी इनलैंड लेटर्स सी मशीन फ्रेंकल्ड आर्टिकल्स डी नन ऑफ द अव तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मशीन फ्रेंकल्ड आर्टिकल्स मशीन फ्रेंकल्ड आर्टिकल्स को लेटर बॉक्सेस में पोस्ट नहीं किया जा सकता है क्वेश्चन नंबर आठ करते हैं क्वेश्चन नंबर एट वेयर शुड द सेंडर्स एड्रेस बी प्रेफरेबली रिटर्न ऑन द आर्टिकल जो भेजने वाले का जो एड्रेस होता है वो कहाँ पर लिखना चाहिए आर्टिकल के ऊपर ऑप्शन ए लोअर राइट साइड कॉर्नर बी अपर राइट साइड कॉर्नर सी लोअर लेफ्ट साइड कॉर्नर डी अपर लेफ्ट साइड कॉर्नर तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोअर लेफ्ट साइड कॉर्नर लोअर लेफ्ट साइड कॉर्नर में सेंडर का एड्रेस लिखा जाता है क्वेश्चन नंबर नाइन हु आर अलाउड द फैसिलिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ देयर मेल्स टू डेम वेयर एवर दे मे हैपन टू बी ऑन टूर विद इन इंडिया किस को डिलीवरी ऑफ मेल्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है चाहे वो भारत में कहीं पर भी घूम रहे हों ऑप्शन ए फिल्म एक्टर्स बी स्पोर्ट्स पर्सन सी डॉक्टर्स डी हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिलीवर्ड थ्रू द पोस्ट बॉक्सेस एंड पोस्ट बैग्स इनमें से किसको पोस्ट बैग और पोस्ट बॉक्स के थ्रू डिलीवर किया जाता है ऑप्शन ए है फुली पेड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स बी नॉट पेड और पार्शली पेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स सी फुल्ली पेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स डी एनी आर्टिकल तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी फुल्ली पेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ द की ऑफ पोस्ट बॉक्स गिवन ऑन रेंट कौन जिम्मेवार होता है पोस्ट बॉक्स की का जो रेंट पर दिया हुआ हो ऑप्शन ए है द पोस्ट मास्टर बी द पोस्टमैन सी द रेंटर डी रिलेटिव ऑफ द रेंटर तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी द रेंटर रेंटर रिस्पांसिबल होता है जो पोस्ट बॉक्स की चाबी होती है जो रेंट पर दी गई हो नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वट इज़ द रेंट फॉर पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग टुगेदर इन अ फाइनेंशियल ईयर पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का जो रेंट होता है एक वित्तीय वर्ष में कितना होता है इसके ऑप्शन हैं ए डेढ़ सौ बी ढाई सौ सी तीन सौ पचास डी चार सौ पचास तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ढाई सौ ढाई सौ होता है पोस्ट बैग और पोस्ट बॉक्स का जो किराया होता है एक फाइनेंशियल ईयर में चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्टीन करते हैं आफ्टर द लेटर बॉक्स क्लियरेंस लेटर बॉक्स प्योन मस्ट बी गिव द लेटर बॉक्स कीज टू लेटर बॉक्स क्लियर करने के बाद लेटर बॉक्स प्यून लेटर बॉक्स की चाबी किसके पास देता है ऑप्शन ए टू दोस्ट मास्टर बी रिस्पॉन्सिबल पोस्टल असिस्टेंट सी इधर ए और बी डी ही कैन कीप कीज़ विद हिम तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी या तो वो आ, पोस्ट मास्टर के पास चाबी देगा या रिस्पॉन्सिबल पोस्टल असिस्टेंट के पास इधर ए ए और बी इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इधर ए और बी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन करते हैं व्हाट इज़ द सुपरस्क्रिप्शन दैट इज टू बी रिटर्न ऑन द आर्टिकल व्हेन इट इज पोस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑथराइज्ड टू यूज सर्विस पोस्टेज स्टैम्प्स आर्टिकल के सरनामा में क्या लिखा जाता है जब वो गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा पोस्टेज सर्विस की जाती है ऑप्शन ए ऑन सर्विस ऑप्शन बी ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस ऑप्शन सी ऑन स्पेशल सर्विस ऑप्शन डी ऑन ऑफिशियल सर्विस तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस ऑप्शन बी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन करते हैं वन पर्सन वांट्स टू सेंड ए पिस्टल टू हिज़ फ्रेंड बाय इंडिया पोस्ट चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एक बंदा अपने दोस्त को इंडिया पोस्ट के द्वारा पिस्टल भेजना चाहता है बंदूक भेजना चाहता है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन ए ही इज़ अलाउड एज एनीथिंग कैन बी सेंड थ्रू पोस्ट बी ही हैज़ टू बुक सच आर्टिकल अंडर अनसर्ड आर्टिकल सी नो दिस आर्टिकल इज प्रोहेबिटेड फॉर ट्रांसमिशन डी नन ऑफ दीज तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दिस आर्टिकल इज प्रोहिबिटेड फॉर ट्रांसमिशन जो बंदूक होती है वो इंडिया पोस्ट के द्वारा पोस्ट नहीं की जाती है ये एक प्रोहिबिटेड आर्टिकल है ट्रांसमिशन के लिए नाव क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज ए प्रीमियम सर्विस ऑफ इंडिया पोस्ट इनमें से कौन प्रीमियम सर्विस है भारतीय डाक की ऑप्शन ए लेटर बी बुक पैकेट सी पार्सल डी स्पीड पोस्ट तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्पीड पोस्ट स्पीड पोस्ट एक प्रीमियम सर्विस है भारतीय डाक विभाग की नाउ क्वेश्चन नंबर सेवनटीन व्हाट इज द मैक्सिमम अलाएबल वेट फॉर ए लेटर एक लेटर का अलाएबल वेट कितना होता है मैक्सीम ऑप्शन ए टू के जी बी फाइव के जी सी टेन के जी डी वन के जी तो इसका सही ऑप्शन है सही आंसर है ऑप्शन ए टू के जी एक आर्टिकल का जो मैक्सीम अलाओबल वेट होता है वो टू के जी होता है नाव क्वेश्चन नंबर एटीन ज्यूरिस्ट ऑफ गुजरात सर्कल इज गुजरात सर्कल का जो अधिकार क्षेत्र है वो कहाँ पर है ऑप्शन ए गुजरात बी गुजरात दमन एंड द्वीप सी गुजरात दादरा नगर हवेली डी गुजरात दमन एंड द्वीप दादरा नगर हवेली तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी गुजरात दमन द्वीप दादरा नगर हवेली नाउ क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द वेट ऑफ प्राइवेटली प्रिंटेड लेटर कार्ड शेल नाट एक्सीड डैश डैश ग्राम्स जो प्राइवेटली प्रिंटेड लेटर कार्ड होते हैं उसका वेट किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए ऑप्शन ए टू ग्राम्स बी थ्री ग्राम्स सी फोर ग्राम्स डी फाइव ग्राम्स तो इसका सही आंसर है बी थ्री ग्राम्स तीन ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्रिंटेड लेटर कार्ड का जो प्राइवेटली प्रिंट किए जाते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वट इज़ द मिनिमम अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट इन अ फाइनेंशियल ईयर एक वित्तीय वर्ष में सुकन्या समृद्धि खाते में मिनिमम बैलेंस कितना डाला जाता है ऑप्शन ए पचास बी ढाई सौ सी पाँच सौ डी एक हजार तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ढाई सौ एक जो वित्तीय वर्ष में सुकन्या समृद्धि के खाते में ढाई सौ मिनिमम अमाउंट डाला जाता है नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन द अमाउंट फॉर विच सिंगल मनी ऑर्डर में वी इशूड मस्ट नॉट एक्सीड आर एस एक सिंगल मनी ऑर्डर के लिए कितना पैसा एक्सीड नहीं होना चाहिए कितने पैसे से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए ऑप्शन ए एक हज़ार बी दो हज़ार सी पाँच हज़ार डी दस हज़ार तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पांच हजार नाव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू वट इज़ द टेरिफ फॉर ए स्पीड आर्टिकल वेइंग लेस than फिफ्टी ग्राम्स एंड डिलीवरेबल लोकली स्पीड आर्टिकल का जो टैरिफ होता है जो चार्जेस होते हैं वो कितना लगता है जब वो लोकली डिलीवर किया जाता है और उसका वज़न पचास ग्राम से कम हो ऑप्शन ए टेन प्लस जी एस टी बी फिफ्टीन प्लस जी एस टी सी ट्वेंटी फाइव प्लस जी एस टी डी थर्टी फाइव प्लस डी जी एस टी तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फिफ्टीन प्लस जी एस टी नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री एफ पी ओ स्टैंड फॉर एफ की फुल फॉर्म बतानी है ए फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस बी फील्ड पोस्ट ऑफिस सी फास्ट पोस्ट ऑफिस डी फॉरेन पोस्ट ऑफिस तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फॉरेन पोस्ट ऑफिस एफ ई की फुल फॉर्म है फॉरेन पोस्ट ऑफिस नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर द सर्विस रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेज ऑफ मेल्स बाय रेल रोड रिवर एंड एयर कौन सी सर्विस है जिसमें मेल रेल रोड और हवाई जहाज़ के द्वारा भेजी जाती है उस सर्विस को क्या कहते हैं ऑप्शन ए रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस बी रोड मेल सर्विस सी रीजनल मेल सर्विस ट्रांसपोर्ट सर्विस डी रेलवे मेल सर्विस तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी रेलवे मेल सर्विस जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में आर एम एस भी बोला जाता है नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव द ऑफिस चार्ज ऑफ़ ए सब पोस्ट ऑफिस इज़ डेसिग्नेटेड एज जो सब पोस्ट ऑफिस का जो ऑफिस इंचार्ज होता है वो कौन होता है ऑप्शन ए पोस्ट मास्टर बी सब पोस्ट मास्टर सी ब्रांच पोस्ट मास्टर डी हेड पोस्ट मास्टर तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सब पोस्ट मास्टर जो सब पोस्ट मास्टर होता है उसको सब पोस्ट ऑफिस में ऑफ़िस इन चार्ज डेजिग्नेटेड किया जाता है नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स आर एल ओ स्टैंड फॉर आर एल ओ की फुल फॉर्म बतानी है ऑप्शन ए रिटर्नड लेटर ऑफिस बी रिफ्यूज लेटर ऑफिस सी रिडायरेक्टर्ड लेटर ऑफिस डी रीजनल लेटर ऑफिस तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रिटर्न लेटर ऑफिस नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन द स्टेशनरी ऑफिस ऑफ द रेलवे मेल सर्विस इज कॉल्ड रेलवे मेल सर्विस का जो स्टेशनरी ऑफिस है उसको क्या बोला जाता है ऑप्शन ए मेल ऑफिस बी ट्रांजिट ऑफिस सी ट्रांजिट सेक्शन डी आर एम एस सेक्शन आर एम एस स्टेशन तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मेल ऑफिस जो रेलवे मिल सर्विस का स्टेशनरी ऑफिस होता है उसको मेल ऑफिस कहा जाता है नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट द ऑफिस इन चार्ज ऑफ ए शॉर्टिंग मिल ऑफिस इज डेजिग्नेटेड एज शॉर्टिंग मिल्स ऑफिस का जो ऑफिस इन चार्ज होता है वो डेजिग्नेट किया जाता है किसको डेजिग्नेट किया जाता है ऑप्शन ए हेड शॉर्टिंग असिस्टेंट बी हेड मिल एजेंट सी सुपरवाइजर डी मेल शॉर्टिंग असिस्टेंट तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हेड शॉर्टिंग असिस्टेंट वो होता है शॉर्टिंग मेल ऑफिस का ऑफिस इंचार्ज नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन ए बैग इज़ यूज टू एनक्लोज सेवरल बैग्स सेंट टू द सेम ऑफिस और सेक्शन देयर बाई अफोर्डिंग प्रोटेक्शन टू देम कॉल्ड एक बैग होता है उसमें बहुत सारे बैग पैक किए जाते हैं एक ही ऑफिस के लिए एक ही पोस्ट ऑफिस के लिए और एक सेक्शन के लिए उसको क्या बोला जाता है ऑप्शन ए पैकेट बैग बी इंश्योर्ड बैग सी ट्रांज़िट बैग डी नन ऑफ दिस तो इसका सही आंसर है सी ट्रांज़िट बैग जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में टीवी बैग भी बोला जाता है नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी the in charge of rms division is called rms division ke in charge ko kya bola jata hai a senior superintendent of rms b sub divisional ए एस आर एम सी एच आर ओ डी एस आर ओ तो इसका सही ऑप्शन है सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सीनियर या सुपरिटेंडेंट ऑफ आर जो कि आर एम एस का इंचार्ज होता है चलिए अब करते हैं पार्ट बी जिसमें कि जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन आएंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन नंबर थर्टी वन से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है हु अमंग द फॉलोइंग इज़ ए जिम्नास्ट इनमें से जिमनास्ट कौन है ऑप्शन ए अंजुम चोपड़ा बी दीपक रमाकर सी ज्वालाुट्टा डी पीवी सिंधु तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दीपक करमाकर दीपक करमाकर जिम्नास्ट हैं तो अगला क्वेश्चन लेते हैं थर्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन पेंसिल इनमें से किसको पेंसिल में यूज किया जाता है ए सिलिकॉन, बी चारकोल सी ग्रेफाइट डी फास्फोरस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ग्रेफाइट पेंसिल में ग्रेफाइट यूज किया जाता है अगला क्वेश्चन करते हैं थर्टी थ्री एथिकल कोड इज नैतिक कोड क्या है ऑप्शन ए पुशिंग कस्टमर फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस बी डू और डाई सी कस्टमर इज़ आर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी डी मनी मेकिंग इज़ आर प्राइमरी मोटिव तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कस्टमर इज आर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर एंटोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ एंटोमोलॉजी किस का जो स्टडी विज्ञान है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंसेक्ट एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव करते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द स्टील सिटी ऑफ इंडिया इनमें से किस को स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है ऑप्शन ए जयपुर बी जमशेदपुर सी बेंगलुरु डी रायपुर तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है नॉर्थ क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मैयर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जो लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी को मापने में ऑप्शन ए ग्रेविटी मीटर पी लैक्ट्रोमीटर सी हाइग्रोमीटर डी हाइड्रोमीटर तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोमीटर हाइड्रोमीटर को यूज़ किया जाता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मापने में तो क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन करते हैं हु रोड अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र किसने लिखा है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त बी कौटिल्या सी विक्रमादित्य डी नन ऑफ द अवव तो उसका जो सही आंसर है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वी कौटिल्या कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी एट विच अमंग द फॉलोइंग फेस्टिवल इज यूजुअली सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी इनमें से कौन सा जो त्यौहार होता है वो ज़्यादातर जनवरी महीने में मनाया जाता है ऑप्शन ए गणेश चतुर्थी बी ओणम सी लोहड़ी डी दिवाली तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लोहड़ी लोहड़ी को जो ज़्यादातर जनवरी महीने में मनाया जाता है नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन हु अमंग द फॉलोइंग इज़ दी ई ओ ऑफ़ आई पी पी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है ऑप्शन ए श्री प्रदीपता कुमार बिश्नोई बी श्री सलीम हक सी श्री आलोक कुमार राणा डी श्री सुरेश सेठी तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सुरेश सेठी श्री सुरेश सेठी आईपीपीवी के सीईओ हैं नाउ आर लास्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से किसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बी फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑप्शन सी फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1957 तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है तो ये था आज का मॉडल क्वेश्चन पेपर ग्रामीण डाक सेवक से एम टी एस के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसी लगी है मेरी वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद